एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक आपकी आई साहब जीवित है ना, वो आप पर आज भी नहीं आने देगी। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी और झांसी के युवराज को वचन देती है कि वो जीते जी आपको अपने से कभी अलग नहीं करेगी, कभी नहीं। This must be the entourage coming from Gwalior. जी साहब, ग्वालियर के सिंथिया नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई को अपने समर्थन के फल स्वरूप ये उपहार भेजे हैं। Tell me, what is the message for Queen of Jhansi? No one is to know what happened here. Now you men, take the places of these people. अयोध्या छोड़ने का समय आ गया। मेरा वियोग सहन करना संभव नहीं है पुत्र, मुझे भी अपने साथ ले चल। अन्यथा तेरी माँ के प्राण तेरे वियोग में चले जाएंगे। आप तो हमारी माँ है माताश्री। अपने पुत्र को अपने पिता का वचन निभाने दीजिए। अपने पुत्र को अपने पिता का वचन निभाने दीजिए। हम ग्वालियर से महारानी लक्ष्मीबाई के लिए सिंधिया नरेश का संदेश लेकर आए हैं। महल में जाने वाले हर व्यक्ति पे आप निगरानी रखेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ग्वालियर नरेश का एक पत्र आया है। रामलीला में अपनी अद्वित अभिनय से हम सबको सम्मोहित किया है। झांसी में कला की सदैव से पूजा होती आई है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इन सब बाल कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। महारानी सर, सिंधिया नरेश के संदेश वाहक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए आइए दामोदर। Cruel policy of East India Company. We will enter it as a British, immediately capture it, and use it for our mission. Good idea. So-called British, you are going against East India Company by taking refuge from Rani Lakshmibai. Keep an eye on them. Yes, sir. But where are you going? We are going to deliver a message to the Queen of Jhansi. Maharani Lakshmibai ki jai ho. Sindhya Naresh ne aapke sandesh ka uttar bheja hai. Padhiye. व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं महारानी साहिबा। मोट के युवराज अभी अभी पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य हमारे भेजे हुए संदेश के प्रत्युत्तर में आए होंगे। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। ए, तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। नियति ने कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी इतने वर्षों तक मैं आराधना कर रहा था। वो रणबांकुरा बनकर मेरे सामने आई और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तथाकथित फिरंगी। अपराधी को दंड देना हमारा काम है और इसे दंड हम अवश्य सुनाएंगे। और आज उसी वीरांगना को झांसी की महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठे देख रहा हूं। धिक्कार है मुझ पे, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दे, सचमुच देवी है ये।